Madhu, question number 10. A needle having a swing moves along a path of amplitude 4 cm. So, ye aapne baju mein likh liya, jo amplitude hai, wo hai 4 cm. With frequency of 5 hertz. The frequency bhi aapko de di gayi 5 hertz. 5 hertz. Find the frequency 130 second after it has crossed the mean position. So, Ms. Madhu, situation ye hai. ये आपकी मेन पोजीशन है यहाँ पर और ये भागा इस साइड, तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड इट्स एक्सेलरेशन 1/30 सेकंड आफ्टर इट हैज क्रॉस द मेन पोजीशन। तो अगर ये मेन पोजीशन है तो आपको इसकी एक्सेलरेशन निकालना है इस पॉइंट पे आफ्टर 1/30 सेकंड। मतलब अगर ये t इज इक्वल टू जीरो है तो इट t डैश इज इक्वल टू 1/30 सेकंड में आपको बेसिकली एक्सेलरेशन निकालना है एट t इज इक्वल टू 1/30 सेकंड। इसमें तो बताइए कैसे करें। सर मैंने ये फॉर्मूला यूज किया है, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा का स्क्वायर इनटू x। शाबाश, ओके। तो कैसे किया आपने? फर्स्ट ऑफ ऑल वो ओमेगा को मैंने फाइंड आउट किया 2 पाई f से, तो 10 पाई हो जाता है। तो 10 पाई का स्क्वायर इनटू x को मतलब a है ना, तो 4 का मैंने मीटर में कन्वर्ट किया उसे 4/100 को। फ्रीक्वेंसी 5 है ना? अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, अब ठीक है। हाँ हाँ, तो 10 पाई का स्क्वायर हो जाएगा। शाबाश, ओके। तो ये तो आपने मैनेज कर लिया ओमेगा स्क्वायर को, ओमेगा स्क्वायर आपका आ गया 10 पाई स्क्वायर। शाबाश, फिर आपने क्या किया? इनटू ये एम्पलीट्यूड उन्होंने दिया ना, वो ही मैंने डिस्प्लेसमेंट लिया है। क्यों सर? हम लोग ने डिस्प्लेसमेंट ही नहीं बोला ना, एक्स का वैल्यू मैंने ए ही लिया था। नहीं बेटा, वो ये कह रहा है कि ओके, थोड़ा सा बाकी सारा तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बेसिकली आपने ये वाली इक्वेशन उठाई, आपने क्या किया ये वाली a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये वाली इक्वेशन उठाई, ठीक है। हाँ, ये वाली आपने इक्वेशन उठाई, तो ओमेगा स्क्वायर को आपने बिल्कुल ठीक निकाल दिया। क्या निकाला था आपने? 10 पाई का स्क्वायर। तो जो इशू रह जाता है वो रह जाता है इसका x का, कि x क्या लिया जाए। अब थोड़ा सा बात समझिए, फिर से सिचुएशन को समझिए। ये अगर आपकी मेन पोजीशन है, ये अगर मेन पोजीशन है तो ये यहां पर है आपका एक्सट्रीम पोजीशन एम्पलीट्यूड प्लस से, और यहां पर है आपका एक्सट्रीम पोजीशन माइनस है। बेटा समझ आ गया? हाँ सर समझा। अभी आपका जो ब्लॉक है वो ब्लॉक है यहां पर, आपको समझ आया? और okay. ये टाइम पीरियड जो आपको दिया गया है, ये दिया गया है 1/30 सेकंड। हाँ सर। तो सिचुएशन समझ आ गया? तो हम लोग को x का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। x का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। शाबाश, x होगा a sin omega t plus pi। बेटा समझ आ रहा? हाँ सर। तो वो pi का वैल्यू कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे? मैडम देखिए, ये सारे सिचुएशन में जहां phi क्लियर नहीं है, तो ये तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा जो phi है वो जीरो है। बेटा समझ आ? ओके सर समझा। तो उसे छोड़ देगा। शाबाश, और क्यों छोड़ने का वो भी जरा थोड़ा आराम से बात समझ लीजिए। क्यों छोड़ने का उसका भी थोड़ा लॉजिक समझ लीजिए, अगर समझ आता है तो अच्छी बात है। देखिए, फाई का मतलब ये हुआ कि आपकी जो, जैसे हमने डेरिवेशन के टाइम किया था, जो फाई है दैट इज पार्ट ऑफ योर बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन, या जिसको हमने बोला था इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन का मतलब ये हुआ कि आप ये मान के चल रहे हैं
कि एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो मेरा जो पार्टिकल है, देखिए थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो आप ये चाहते हैं कि मेरा जो पार्टिकल है वो एक्स इज इक्वल टू जीरो पे है। बेटा नहीं समझना? समझा सर। अगर आप ये चाहते हैं कि टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे आपका जो ये जो ब्लॉक है जिसको बीच बीच में पार्टिकल बोल रहा हूँ, अगर ये ब्लॉक टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे एक्स इज इक्वल टू जीरो पे है, वो कंडीशन तभी हो सकती है, वो कंडीशन तभी हो सकती है अगर ये हो जाए साइन जीरो और यहाँ पर भी हो जाए जीरो। बेटा नहीं समझ में आया? समझा सर। और ये तभी हो सकता है कि अगर जो आपका फाई है वो जीरो हो। भाई समझ आया या दिमाग खराब होता जा रहा? समझा सर। तो क्योंकि चीजें क्लियर नहीं है तो आप ये मान के चलेंगे कि सर ये तो ऐसा है कि मैं तो x इज इक्वल टू जीरो, मैं तो t इज इक्वल टू जीरो पे ये मान के चल रही हूँ कि मेरा जो पार्टिकल था वो x इज इक्वल टू जीरो पे था, तो इसको माफ करो, फाई को माफ करो और मेरी जो इक्वेशन है वो बन जाएगी x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t। बेटा नहीं समझ रहा? समझा सर। अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो ये देखो, ये तो प्यारी सी छोटी सी इक्वेशन है, इसी में लिखा हुआ है कि t इज इक्वल टू जीरो पे x इज इक्वल टू जीरो। नहीं समझा? हाँ सर समझा। तो अब फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि ये सब ज्ञान गणित लेने के बाद आपको चुपचाप ये तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा आपसे, आपको चुपचाप क्या करना पड़ेगा, ये 10 पाई होल स्क्वायर और एक्स की बजाय आपको डालना पड़ेगा ए साइन ओमेगा टी। बेटा समझ आया? समझा सर। कोई तकलीफ तो नहीं? नो सर। अच्छा जब आप यहां पर आ गए तो ये मैं इसको 100 पाई स्क्वायर लिख देता हूँ यार। ए की वैल्यू आपके पास है, ए की वैल्यू क्या है आपके पास? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर जिसको मैं लिख रहा हूँ 4/100 मीटर। भाई समझ आ गया ना? हाँ सर समझा। मैडम देखिए, फिर से देखिए, अगर आपने ये सेंटीमीटर में चलाया तो फिर आप कहीं आपका सर टकराएगा दीवार के साथ, क्योंकि आप आंसर जो है वो एक्सेलरेशन का चाहते हैं फर्स्ट क्लास मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। बेटा समझा? हाँ समझा सर। तो ये थोड़ा ध्यान रखिए, गड़बड़ मत कीजिए। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में अगर आप आंसर चाहते हैं तो इसको मस्त एकदम 4/100 सूट बोर्ड डला के मीटर में तैयार कर दीजिए, और यहाँ पर ये जो साइन ओमेगा टी है, ये जो साइन ओमेगा टी है ये क्या हो जाए, साइन पाई एफ टी। बेटा समझ आया? हाँ सर समझा। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये जो फ्रीक्वेंसी है ये आपके पास है, और ये जो t की वैल्यू है ये 1/30 सेकंड है। बेटा हाँ, समझा सर। तो ज्ञान आपको सारा मिल चुका है और इसका जो साफ सुथरा सॉल्यूशन आपको मिलेगा, मैं सारे को क्लियर कर देता हूँ। जो भी हमारी डिस्कशन में, ये हमारा क्वेश्चन 9 था और क्वेश्चन 10th में, ये देखिए क्वेश्चन 10th में यही सारा जो अभी हमने डिस्कस किया, ये सारी सिर्फ वैल्यूज आपने पुट करनी है और ये आपके पास फर्स्ट क्लास ये आंसर आ जाएगा 34.153 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई थिंक आपकी बुक में भी यही आंसर है। हाँ। आपकी बुक में 34.2 करके लिखा हुआ है। हाँ। तो ये सारा करने के बाद ये क्वेश्चन 10th हो गया। क्वेश्चन 11th में यूज होगा पोटेंशियल एनर्जी, क्वेश्चन 11th में पोटेंशियल एनर्जी यूज होगा। क्वेश्चन 12th आप कर पाएंगे, वो काइनेटिक एनर्जी बेस्ड क्वेश्चन है तो वो आपसे आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन 16 में पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों यूज होंगे। क्वेश्चन 17 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्वेश्चन 19 भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है।
बट आप सर मैंने 17 क्वेश्चन नहीं किया था, नहीं किया, हाँ वो थोड़ा सा, हाँ वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, एक बार हाथ पैर मारिए, 11, 12, 16, 17, 19, उसमें एक चीज जो आपको थोड़ी तकलीफ आपको जो होगी वो ये होगी कि एक क्वेश्चन में, एक दो क्वेश्चंस में आपको पोटेंशियल एनर्जी या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला देख के कर सकते हैं, तो ये क्वेश्चन 11 में पोटेंशियल एनर्जी यूज होने वाली है, क्वेश्चन 12 आसान है, क्वेश्चन 16 में पोटेंशियल एनर्जी यूज होने वाली है, क्वेश्चन 17 थोड़ा सा टेढ़ा है और क्वेश्चन 19 भी थोड़ा सा टेढ़ा है। ये सारे क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, नहीं होंगे तो नेक्स्ट टाइम करेंगे, इसमें तो कोई डाउट? नो सर, नो डाउट। ठीक है मैडम।